So now we have started from Shinkula and going towards Purne, which is apparently what, 30, 35, 40 kilometers. I don't know what's the exact kilometers, but most people say it's like gonna take 2 hours maximum. It's 15.5 degrees Celsius. That's the temperature right now. The sun is down. The valley is in the shadows. And 4:21 PM. So 6:20 is when I hope we'll be able to reach. I hope we don't, you know, reach at a time when it's totally dark. As you saw, Abhinav was hit by AMS. He was not feeling well. I am also, you know, suffering a little bit because of the headache, the constant headache that is there right now. Lassan wala jugaad is in the use right now. Have a garlic, what do you call that, small piece of garlic under my tongue right now, because the locals are saying that helps. The altitude change is massive if you are coming from Kullu, which is like what, 3,000 feet, and we are right now at 14,500 feet. So you can very well imagine. We should have actually planned it in a way where we spend some time in Jispa, which we haven't done, and that is what is hurting us. Greenery aa gayi ekdam se, ha. And पीछे से मैं देख रहा हूँ ना तो चला रहा है, इट लुक्स सो गुड यार, के समवन इज सैडलिंग, वेरी नाइस. आई थिंक दिस इज करग्याक. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार. एंड दिस एरिया इज कम्प्लीटली बेथिंग इन सनलाइट राइट नाउ. देख रहा है बाकी तो खत्म हो गया था वहां पे. ब्यूटीफुल. तेरा ऑन रिकॉर्डिंग आगे वाली फ्रंट कैसे बिल्कुल फ्रेशली लेट हूँ मैं क्या बिल्कुल. कैफेटेरिया कारग्याक अगेन ऑफ रोड. वेयर आर वी गोइंग वैसे, लेट मी जस्ट सी द वे यार. ये थोड़ी ना के गुजार दो बस और फिर देखो. अबे खड़ा हो जा, बुलशिट. पहले जगह तो दिखे. खटखट खटखट बज रहा है यार नीचे, पता है कुछ. Are we going in the right direction? I think this is the route. This is the route. Okay, okay. Yaar, ye kya? What the fuck is this? How do I cross this? Oh fuck fuck fuck, it's going out of control यार. ये क्या होगा, वह तो सुंदर लग रहा है यार. चांगसिल होमस्टे. जबरदस्ती जबरदस्ती पानी में क्या है, अंदर क्या था. गो 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 गो. तो आराम से निकल आए. चल ये क्या, व्हाट इज दिस सपोज टू मीन. उतर के आए. अच्छा चेकिंग हो रही है यहाँ पे, एंट्री हो रही है यहाँ पे. कर गया चेक पोस्ट पे. एंड व्यू देखो यार सामने का आप. The guy has put his desk there. Yup, maybe another max 2 years, yaar. After this, everything will be road. जिस तरह से preparation चल रही है बनी जाएगी यार. अब रह क्या गया है. लेट्स सी यार, मैं चाहता हूँ 5:30 तक अगर पहुँच जाए तो बहुत बढ़िया होगा, बट आई डोंट नो. मैं फर्स्ट गियर पे आ गया ना, जस्ट टू बी डबली श्योर. जैसे बीच में एरियाज हैं जहाँ पे एकदम से ग्रीनरी आती है. टेक्निकली एवरीथिंग इज अलोंग साइड द रिवर, बट ओनली सम एरियाज हैव ग्रीनरी.
तू मानेगा सुबह से हमने सिर्फ अभी तक 207 किलोमीटर किए हैं। नाइस यार, बढ़िया रोड है। हाँ पर मैं पीछे हूँ तेरे से, अब आगे आ रहा हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। शुड आई गो फ्रॉम द राइट? हाँ रहा है, देख रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल ऑन है ना? सो पदुम इज शोइंग 65 किलोमीटर्स फ्रॉम एयर। द थिंग इज वी डोंट नो व्हाट्स द टाइप ऑफ रोड दैट वी आर गोना गेट। अभी तो यहाँ पे तो ऐसी रोड है, आगे फिर डर्ट ट्रैक है। सो दैट इज द अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर हेयर। आई थिंक वी आर मे बी लाइक 5-10 किलोमीटर्स फ्रॉम पुरनेम और व्हाट, आई डोंट नो, नो पॉइंट इन गेसिंग, जस्ट कीप ऑन राइडिंग ब्रो। अब इस समय ये चढ़ाई नहीं चाहिए यार, शाम को बैंड बज गया है। ना ना स्लो आया, स्लो यहाँ पे पेस चाहिए यार इसको चढ़ने के लिए। वो देख सामने भी एक रोड है यार, ऑन द लेफ्ट साइड गाइज, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस, लुक एट दैट कॉन्फ्लुएंस of blue waters and brown water, the Zanskar river and the other one, I don't remember the name, I've heard it in videos but I just don't know the name of the blue one, so we will go slow, not sure. Kya machaya hua hai bhai, रिमेन फोकस्ड यार, रिमेन फोकस्ड। 3-4 टर्न्स एंड विल बी डाउन, जस्ट डू इट स्लो। हेयर पिन बेंड्स विद लॉट ऑफ सैंड आर ड्रेनिंग द एनर्जी आउट ऑफ मी राइट नाउ, आई डोंट फील लाइक राइडिंग एनी मोर। इट्स लाइक पहुँचना है बस यार, अब दिल नहीं कर रहा चलाने का। एंड द फकअप इज एट दिस पॉइंट इन टाइम the intercom is also not working. I think ये जो डोलमा सुना है मैंने, विल नीड टू आस्क यार कि चल भी रहा है, खुला भी है, कोई है भी नहीं है। चलो भाई डोलमा का रूम देखे, इसके लिए भी ट्रैक करना पड़ रहा है भाई। ओके ऐसे है रूम, तुमने बेड बिछाए हुए हैं, लाइट आती है इधर, लाइट चार्जिंग भी हो जाएगी, चार्जिंग का पॉइंट नहीं है। फोन चलता है इधर क्या आपका, घर फोन हो जाएगा? So after reaching Purne at 6 PM yesterday, 5:50 PM हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब दोनों की। पहले तो अभिनव की हालत ख़राब थी, यू वुड हैव सीन एट शिंकुला, एंड आफ्टर दैट ही वॉज राइडिंग प्रिटी ब्रेवली सैडलिंग ऑल द टाइम, है ना? मैं तो बैठता ही नहीं बाइक पे। हाँ तो ये बंदा तो सुपरमैन की तरह खड़े होकर चला रहा था,
और मैं तो बैठ के चला रहा था क्योंकि मेरी भी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो गई। एंड पहुंचने के बाद यहाँ पे इतना तेज़ हेडेक होना शुरू हुआ, मुझे भी चालू हो गया, इसको तो पहले ही हो रहा था, और ऐसा लग रहा था प्यूकिश फील हो रहा था और क्या क्या फील हो रहा था भाई मेरे को। तो मेरे को तो साइनसेस भरे हुए हैं, आई हैव गॉट अ बैड कोल्ड नाउ बिकॉज़ ऑफ द एमएक्स गॉगल्स। आई थिंक वो पूरा टाइम ठंडी ठंडी हवा घुसती रही एंड माय चेस्ट इज कम्प्लीटली फुल, ऑल द साइनसेस आर फुल एंड आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन। देखो ये हमारा रूम है यहाँ पे, दिस इज द डॉलमा होम स्टे एंड ये बेसिक सा रूम है, सामान हम लोगों ने ऐसे फैलाया हुआ है। ये यहाँ से बाहर का व्यू कुछ दिखेगा है नहीं इस SLR से, बट सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे, सबसे मोटिवेटिंग चीज़ इस रूम की ये है कि यू कैन सी बॉब द बिल्डर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बॉब द बिल्डर है जो कहता है हम करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ। तो हम तो हमारी यही मोटिवेशन है, बट रात को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से तो एक रोटी भी ठीक से नहीं खाई जा रही थी, प्यूकिश फीलिंग, सर दर्द, बॉडी एक, सो एक पैरासिटामोल ली, सुबह एक डायमॉक्स ली थी, एक रात को एक और रिपीट करी, एंड अभिनव हैज़ गॉट द कम्प्लीट अपोलो फार्मेसी विद हिम। दिखा दिखा सो ये देखो, ये पूरा अपोलो फार्मेसी का पूरा डब्बा, दूसरी दिखा, अनदर वन, इतनी दवाइयाँ तो यार पूरे घर में होती हैं शायद एक स्टॉक के साथ, तो ये सब भी होगा ना, मैं उसकी दवाई लेके आया हूँ, मैं बचा लूंगा। हाँ, तो ये पूरी सेटिंग के साथ आया है, सारे प्रिपरेशन के साथ, तो किसी अब किसी की हड्डी हड्डी भी टूट गई ना, मैं वो भी रिपेयर कर दूंगा, मैं उसको भी ठीक कर दूंगा आज। तो अब ये है कि अब 3:15 बजे हैं रात के, तो मेरी नींद खुली है, अभिनव की भी नींद खुली है क्योंकि हम दोनों को, मैं तो सोया ही नहीं हूँ भाई, हर आधे घंटे में उठा हुआ हूँ। तो यही है, मतलब अभी 3:15 बजे हम लोग उठे, मुझे भी सुसु जाना था, इसको भी जाना था, दोनों साथ में मिल के गए हैं, ऑब्वियसली अलग 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 गए हैं क्योंकि यहाँ से रूम से नीचे उतरने के लिए भी एक अजीब सी स्केरी सी स्टेयर्स है, और जिस तरह से हमारी हालत है मुझे तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्टेयर से ही लुढ़क जाऊँ मैं, बट यही है, मेरी तो नींद एक्चुअली अभी भाई पूरी हो चुकी है, बट आई विल यू नो लाई डाउन अगेन लाइक अ सैक ऑफ पोटैटोस। पोटैटोस इज फाइन राइट, नॉट पोटैटोस, पोटैटोस इज फाइन। सो उसके बाद हम सुबह डिसाइड करते हैं 7 बजे। जसवीर हम कहाँ हैं अभी? हम हैं पुरने में। नो नो नो, ये जो ऊपर ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सब क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं ये जो ऐसे 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 जो बने? अच्छा अच्छा, माउंटेन्स नहीं कहते उन्हें, उन्हें कहते हैं माउंटेन्स। Is it fine? Yes, so मैं mountain बोल के मतलब, तो we are amongst some barren mountains. Yes, right? This fine? Of course, sir. So we'll take a call in terms of आगे कितने बजे निकलना है यहाँ से। सुबह 7 बजे करीब देखते हैं भाई, 7-7:30 अगर हालत हुई तेरी तो then we'll take a call. Sure. हमारी itinerary ये थी कि initially itinerary थी कि we'll reach Gonbor Ogjung and stay at the camp. But वहाँ पे तो altitude was 14,500 feet, so it was not possible to do that. Hence we came to Purne, which is around 12,000 feet. Up from here, 2-2.5 hours is Padum, which is still lower, and the bigger part is it has all the facilities. Hospital है, oxygen लेनी है वो ले सकते हैं. So I think if Abhinav is feeling fine, if he's feeling fine, I'm okay. Like I can ride. Around 7-8 PM or maybe dhoop bhi tab 7-8 AM 7-8 AM provided you are feeling fine, yeah, we'll yeah. head to Padum and maybe see a doctor as well in terms of understanding sure, ke sure. hame kya kya karna chahiye agar fir se aisa hota hai. बाकी उसके बाद एक ही स्ट्रेच है पदुम टू लामारुई, उसके बाद तो श्रीनगर ले हाईवे से मिल जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आई वुड से द बिगेस्ट टेक अवे इज कि जो भी आइटनरी हम लोग बनाते हैं वो सारी पेपर पे होती है, जस्ट ट्राई एंड अडेप्ट टू थिंग्स एज यू गो, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में यू नेवर नो कहाँ तबीयत ख़राब होती है, एंड वी आर नॉट पुशिंग आर सेल्व नाउ। आई एम ऑल्सो ओके अभिनव, लाइक आई टोल्ड यू डैट वी रीच ऑन द श्रीनगर ले हाईवे एंड गो टू ले एंड देन गो बैक टू मनाली। आई एम ओके विद दैट, प्रोवाइडेड आई मीन सेफ्टी इज़ फर्स्ट, हम लोगों की तबीयत सही रहनी चाहिए, ठीक है। सो मैं बताता हूँ, मैं ना ऑफिस में जब लोगों को बोल रहा था कि आई एम गोइंग ऑन दिस राइड, लोगों को लगता है मैं बहुत एडवेंचरस आदमी हूँ, तो मैं हीरो बन के बड़ा बोल के आया, दिस इज अ 50-50 राइड, अब लग रहा है या तो तू जिंदा जाएगा या मैं ही जाऊँगा। वो इंस्टाग्राम पे रील नहीं है कि 50-50, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, 50 विल लिव 50 विल डाई, यहाँ पे ये दोनों में से कौन बचेगा, 50-50। मैं भी वैसे हीरो बन के बहुत बोल के आता 50-50। सही में वही वाला सीन है भाई। ठीक है भाई, सुबह होती है तो मिलते हैं यहाँ पे, 3 बजे व्लॉग बना रहे हैं, बट जैसा बकवास बन गए हम व्लॉगर। तू है व्लॉगर, मैं नहीं व्लॉगर। Yeah, where are you from? Australia.
So do you have any such ascents there? No. Okay. Is it mostly the highways, the straight highways? There's a bit of like dirt biking and stuff. Okay. Like exploring. This is yak cheese. आगे देखते हैं. ये जो local. This is like a cracker. This is so very dry. Very dry. Yeah, from Sotal. Yeah, it's.